छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और नवरात्रि के अवसर पर आज हम चंदला विधानसभा क्षेत्र के या छतरपुर जिले के प्रकाश बमोरी बदौरा कला के मां भद्रकाली मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि माता भद्रकाली यहां पर ऊपर विराजमान है पहाड़ी में, और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहां पर शेर बने हुए हैं और ऊपर माता की एक प्रतिमा बनी हुई है। नवरात्रि में हम अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं और इसी क्रम में आज बदौरा कला के भद्रकाली मंदिर में आए हुए हैं। माँ भद्रकाली मंदिर का बहुत ही महत्व है और यहाँ पर देश के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। यहाँ पर नवरात्रि के अलावा भी लगातार भक्तों की आवाजाही बनी रहती है। नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नवरात्रि महोत्सव में छतरपुर एक्सप्रेस की टीम आज पहुंची है चंदला विधानसभा के बारीगढ़ क्षेत्र के बदौरा कला स्थित माँ भद्रकाली के प्राचीन मंदिर में, जहाँ पर ऊंची पहाड़ी पर माँ भद्रकाली विराजमान है। माँ भद्रकाली मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और त्रेता युग से इसका संबंध बताया जाता है। भारत के प्रमुख वामन शक्ति पीठों में से एक माँ भद्रकाली यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान। माँ भद्रकाली के दर्शन को देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। यहाँ पर साल में दो बार मेले का आयोजन भी किया जाता है और छोटे छोटे मेले साल भर यहाँ पर लगते हैं। मंदिर के पास ही एक तालाब है जिसे कुंड के रूप में पूजा जाता है और इसका एक अलग ही महत्व है। छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर अलौकिक स्थान है, जहाँ पर बदौरा कला में पहाड़ी पर माँ भद्रकाली का प्राचीन और भव्य मंदिर है। अभी हमारी टीम छतरपुर एक्सप्रेस की टीम मंदिर में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर माता रानी का भवन है। आप देख सकते हैं कि तमाम भक्त दर्शन करके आ रहे हैं और तमाम भक्त अभी दर्शन के लिए आ रहे हैं। नवरात्रि का पावन अवसर है और इसी बीच लगातार मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सामने माता रानी का भवन है। यहाँ सामने सीढ़ियों से चढ़ के जाना है और सामने ही माता रानी का भवन है यहाँ से। और अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं सामने, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएंगे, लगातार मंदिर में श्रद्धालु आते जा रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और हमारे युवा साथी लगातार नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ भद्रकाली के दर्शन करने और उनसे आशीष प्राप्त करने आ रहे हैं। और अब चलते हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर। गर्भ गुफा के अंदर हम लोग आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार भक्तजन माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर के जैसे ही एक छोटी सी गर्भ गुफा है और उसके अंदर पिंडी के रूप में माँ भद्रकाली विराजमान है। हमारे साथ मंदिर के ही महंत हैं और उन्हीं से जानते हैं मंदिर की महिमा और माता की महिमा के बारे में। जय माता दी महाराज जी। जय माता दी भैया। इस मंदिर के बारे में बताएं हमारे भक्तों को। ये मंदिर माँ भद्रकाली का मंदिर है। ये भारत के 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर सती जी की ग्रीवा गिरी थी और उस ग्रीवा की यहाँ पिंडी के रूप में पूजा होती है और ये युगों से, त्रेता युग से इस मंदिर का यहाँ पर संचालन हो रहा है। ये मंदिर कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर नहीं है, स्वप्राणित मंदिर है ये। अच्छा, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम वैष्णो देवी में, इसका मंदिर में जो गर्भ गुफा है और पिंडी जिस तरीके से रखी हुई है और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तो इस मंदिर में क्या महत्ता है? जी, यहाँ इस मंदिर में महत्ता ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। आप यहाँ से नीचे तक चले जाइए, प्रत्येक
पाइप में या प्रत्येक वृक्ष में एक एक घंटा बंधा हुआ है। लोग बाग जो भी मन्नत लेकर के आते हैं और वो घंटा कह के जाते हैं कि माँ के लिए हम घंटा चढ़ाएंगे, सारी मन्नतें पूरी होती हैं। दसों इंद्रियों से जिसने जो कुछ मांग लिया वो सब कुछ मिलने वाला है। इस मंदिर का इस कारण से बहुत महत्व है। वैसे तो साल के 365 दिन यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन चैत की नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, यहाँ पर चार, इस मंदिर के चार विशेष पर्व हैं। पहला पर्व ये चैत्र नवरात्रि होती है। दूसरा पर्व जो होता है वो बुद्ध पूर्णिमा बैसाखी पूर्णिमा को होता है, उसमें विशाल मेला लगता है। तीसरा जो आपका एक त्यौहार है ये नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि है ये त्यौहार पर्व माना जाता है। और चौथा पर्व जो है वो गुरु नानक जयंती, जिस दिन पूर्णिमा होती है कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन यहाँ विशाल मेला लगता है और लगभग 5 लाख लोगों की यहाँ पर भीड़ होती है। जैसा कि बहुत सी छोटी जगह है, बदौरा कला ग्राम पंचायत है और माता ने इस स्थान को चुना है, यहाँ पर लोग आते हैं देश विदेश से, काफ़ी मंदिर का विकास हुआ है, फिर भी जैसा यहाँ पर विकास होना चाहिए कहीं ना कहीं कमी है। तो आप प्रशासन से और विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगामी विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं? हम प्रशासन से उम्मीद तो हमेशा रखते आए हैं, परंतु वास्तव में हमारी मंशा के अनुरूप यहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जाने के जो स्थान रास्ते हैं उनको सुगम किया जाए, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उनकी मरम्मत हो, उनको सुगम कर दिया जाए, और यहाँ पर मौजूद जो वृक्ष हैं उनकी सुरक्षा की जाए, यहाँ पर मौजूद जो तालाब हैं उनका सुंदरीकरण किया जाए, यहाँ पर मंदिर के परिसर का अतिक्रमण रोका जाए, इस बात की हम मांग करेंगे। ये आप आशीर्वाद के स्वरूप में हमारे जो दर्शक आपका ये देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? ये दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस श्रद्धा को लेकर के, जिस मनोकामना को लेकर के आए हैं, माता जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपका कल्याण करें। जय माता जी। जय माता दी। तो हमारे साथ अभी मंदिर के महंत श्री पीडी शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि ये युगों युगों से यहाँ पर मंदिर है। यहाँ का वास्तविक स्थिति के कब से यहाँ पर माता विराजमान है किसी को पता नहीं है। इनका कहना है कि त्रेता युग से यहाँ पर माता विराजमान है और माता की यहाँ पर स्वयंभू प्रतिमा है, किसी ने आकर यहाँ पर माता को यहाँ पर विराजमान नहीं कराया है। और अभी छतरपुर एक्सप्रेस के लिए आप देख रहे थे कि मैं नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ भद्रकाली मंदिर में था, भद्रकाली मंदिर छतरपुर ज़िले से। अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो छतरपुर ज़िले से आपको बारीगढ़ आना पड़ेगा और बारीगढ़ से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। इस मंदिर की महत्ता है, ये बदौरा कला में माँ का ये मंदिर है और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। जैसा कि महंत जी ने बताया कि यहाँ पर जो भी सच्ची श्रद्धा भक्ति से लोग आते हैं कभी खाली हाथ वापस लौट के नहीं आते। हमारे साथ एक महाराज हैं यहीं के, इनसे जानते हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। हाँ जी, जय माता। अच्छा, आप इस मंदिर के बारे में आप बताइए, इसका कितना महत्व है मंदिर का? ये जो है प्राचीन की बहुत बड़ी माता है, जिसको जो है कोई पार नहीं है कि कौन है, बहुत हर युग में रहती है। अच्छा, लगभग कितना प्राचीन यहाँ पर होगी? ये जो है प्राचीन जो है का जो है कोई बता नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर ग्रामीणों को पता नहीं? हाँ, कोई पता नहीं सकता। आदि शक्त है ये। अच्छा। यही कहते आदि शक्त यही जग उपजाया, ये जो है उपजाने वाला दूपर है इसका। लेकिन हमने जब पुराने से पूछा कि ये कैसा है तो वो यही बताया कि प्राचीन की माता है। और ये 57 सोना जो राजा करण के जमाने में यही मार दिया है, 57 सोना। अच्छा, आप मंदिर में कब से हैं? हम 70 साल के हो चुके हैं हम, और हम जब से मंदिर में गए तो ये जो है जहाँ माता बैठी हैं वो पत्थर जो है रोज बढ़ता है, मतलब साल का साल कितना बढ़ता है। आदमी छोटे थे तो परे परे जाया करते थे, आज जो है हम खड़े हुए जा रहे हैं वहाँ इतना। मेरे साथ एक और बुजुर्ग हैं, दादाजी। जय माता दी। जय माता दी भैया। आप इसी गांव से हैं? हाँ, हम बरबई से। बरबई से हैं। हाँ। ये मंदिर की क्या महत्ता है? अरे बहुत भारी मानता है। हम जब आते रहे तो
आदमी ऐसे नाटक करने का रहता है। अच्छा, आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? बहुत साल से, जब से हम इससे लड़का रहा है। अच्छा, यहाँ बताते हैं कि जो माँ भद्रकाली के दरबार में आता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है? सभी, बिल्कुल, ये बात तो ये सभी होती है, सबकी इच्छा पूरी करती है। इसने मर के जिंदा आज भी कर रही है। आज भी हमने देखा जो कुछ हम मांगा है हमको मिला है, सबको मिला है, हमको मिला है ज्यादातर, हम जो है चारों धाम। और हमारे साथ और भी हैं भैया, बैठे हुए हैं भैया। आप कहाँ से हो? बदौरा कला से। बदौरा कला से। इस मंदिर की क्या महत्ता है? यही महत्ता है कि जो मांगते हैं इंसान मिलता है, धर्म पुण्य करता है इंसान, जैसे हम ही हैं, ये पेठा वितरण प्रसाद कर रहे हैं, यही है। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं यहाँ मंदिर में? यहाँ हमारी जन्मभूमि ही है, तो हम तो मान लो यही परमानेंट आते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं? बहुत, दिल्ली तक से। दिल्ली तक से आते हैं। एक छोटा सा गांव है बदौरा कला, जो कि ग्राम पंचायत है। हाँ। और ऐसी जगह पर माता ने चुना इस जगह को, और आप एक गौरव भी महसूस करते होंगे? बहुत बड़ा, यानी हमारे गांव में, क्षेत्र में कितने दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ, उनके यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार तो ऐसा है कि कोई विशेष नहीं है यहाँ, कोई उन्नति ही नहीं है। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? यही हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन यहाँ की उन्नति करे। काली मंदिर के बाहर हम लोग खड़े हुए, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भंडारे जैसे भी व्यवस्था की गई है, और इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। यहाँ पर आप ये प्रसाद में पेठा बांट रहे हैं? जी हाँ। तो ये क्या आज है या नवरात्रि के नौ दिन है? नौवें दिन भैया भंडारा चलेगा, पूरी सब्जी। अच्छा। और मिष्ठान। अच्छा। नौवें दिन चलेगा, इसके बाद में पर डे किसी दिन केला है, किसी दिन सेव है, किसी दिन पेड़ा है, ऐसे उपास वाला आइटम। अच्छा, बदल बदल के आप फलाहार में जो भी? हाँ, नौ दिन बराबर बांटते हैं। तो अभी आपने जैसा कि देखा कि हमारे साथ यहीं के लोकल के ग्रामीण थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर नवरात्रि के नौ दिन ही कभी केले, कभी सेब, कभी पेड़ा, तो कभी पेठा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और आखिरी दिन नवरात्रि के यहाँ पर भंडारा होता है, जिसमें पूरी, हलवा, सब्जी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। हमारे साथ कुछ और भी भक्त हैं, उनसे जानते हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? बिल्लू नाम। कौन से गाँव से? मटौन से। मटौन से हैं भैया, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं भैया। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आपको क्या मतलब, इसकी महिमा है यहाँ, आप कैसे इसकी जानकारी लगी, आप आए यहाँ? इनकी महिमा ये है, जो भी अपने दिल से, अरमान से अगर पाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है अपना जो है आए, और यहाँ की जो है अपना इच्छा करें, और जो भी अपना दिल से चाहेंगे तो मतलब हमें ये चाहिए तो अपना मिलता है, जो भी आपकी श्रद्धा हो तो यहाँ पर अपना आगे लास्ट में कर दीजिए। अच्छा, आप कब से मंदिर आ रहे हैं? हमें हो गए कम से कम 15 साल। 15 सालों से लगातार आ रहे हैं। जी जी। बीते 15 सालों में मंदिर में जो विकास होना चाहिए था, क्या उतना विकास हुआ है? हुआ है, 50% हुआ है, 50% अभी नहीं। कमी रह गई। अभी कमी रह गई। अगर बात करें शासन प्रशासन से, तो आप क्या चाहते हैं मंदिर को लेकर? मंदिर को लेकर ये चाहते हैं कि इसमें जो भी अब कमी रह गई है तो जो इसमें पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भद्रकाली माता की कृपा होगी आपको, जो भी अपना जो जो कोई भी कराना चाहता है उसको भगवान हरदम खुशी रखे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश मटौन से आए हुए एक भैया थे, और अभी आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर, मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, भक्त दूर दूर से आ रहे हैं और माता के दर्शन करने यहाँ पर प्रसाद, फूल आदि दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ पर का जो मंदिर का इतिहास है, बताते हैं कि यहाँ जो ग्रामीण हैं किसी को भी इसकी सटीक जानकारी नहीं है, त्रेता युग से, द्वापर युग से इस मंदिर का इतिहास है। यहाँ पर माता अपने आप विराजमान हुई हैं, यहाँ पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई गई है, और नवरात्रि में इस मंदिर में भक्तों की धूम रहती है। वैसे तो साल के 365 दिन इस मंदिर में लोग आते हैं। छतरपुर जिला के बारीगढ़ क्षेत्र में यह मंदिर है। इस मंदिर की अपने आप में एक अलौकिक कथा है। अभी आप छतरपुर एक्सप्रेस से देख रहे थे, मेरे साथ थे हमारे साथी कैमरामैन देवेश, और मैं अभिषेक चौरसिया। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे मंदिर में। नमस्कार।